are you? This is a new day in Almaty. Welcome back to my channel. I am Kishmin and I hope you are all doing well. So this is our second last day in Almaty. Aaj hai aur kal ka din hai. तो मैंने सोचा आज थोड़ी अच्छी नई जगह से गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा होटल से गुड मॉर्निंग करती हूँ. तो श्रीनगर में वहीं जहाँ हमने लास्ट नाइट डिनर करा था, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आए हैं, बिकॉज हमें ब्रेकफास्ट ऑप्शन अच्छी लग रही थी. तो हम यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे एंड मम्मी पापा होटल में ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बट हमें बिल्कुल मन नहीं था, सो हम यहाँ आ गए हैं. एंड यस, ये एक टर्किश रेस्टोरेंट है, तो हमने टर्किश एग्स मंगवाए हैं और एक चीज़ रोल्स मंगाए हैं. लेट्स सी वो कैसे आते हैं. इन केस यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस व्लॉग, प्लीज़ क्लिक द लिंक अप हियर. एंड अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. वी हैव गॉट अ ग्लास ऑफ लेमनेड, वी हैव गॉट सम टर्किश ब्रेड टू ईट विद द एग्स एंड वी हैव सम चीज रोल्स. वी हैव गॉट दिस डिश, जिसका नाम नहीं पता बट हमें फोटो पता थी तो हमने मंगवा ली. राजू जी खा के बताएंगे सबको कैसी डिश है ये. ऐसे जैसे शक्शुका खाती थी, दही है वो. हम घूम रहे हैं अलमाटी की गलियों में. गली तो नहीं है वैसे, रोड ही है ये, बट हम कहेंगे गलियों में. और हम अब एक अच्छी कॉफ़ी ढूंढने जा रहे हैं. हमें दो कॉफ़ी की जगह पता है, उनमें से हम एक पे पियेंगे जिसमें सबसे बढ़िया कॉफ़ी दिखेगी हमें. सो या ऐसे मुझे अपने आप ही रोम करने में बहुत मज़ा आता है. मैं अभी अपने आप में नहीं हूँ, मेरे साथ काजू भी है, बट स्टिल फील्स लाइक अपने आप ओनली. दीज आर द कॉफीज दैट वी ऑर्डर्ड एंड दे लुक एग्जैक्टली सेम एज द मेन्यू. यहाँ पे हमने जहाँ भी खाना खाया ना, हमेशा जो मेन्यू में बना हुआ है ना वही मिलता है. लाइक आई जस्ट शो यू व्हाट वी ऑर्डर्ड एंड व्हाट वी गॉट. आई ऑर्डर्ड दिस वन, लुक, एंड शी ऑर्डर्ड दिस वन. ऑब्वियसली ग्लास का कैरमल अलग है, बट प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सबकी सेम है. इवन जो हमने ब्रेकफास्ट किया ना, उसमें जो फोटो बनी थी ना मेन्यू में, एग्जैक्टली सेम वैसा खाना आया. तो दैट इज़ सरप्राइजिंग, बिकॉज यूजुअली जो फोटो होती है उसके जैसा सेम टू सेम दिखता हुआ खाना तो नहीं आता. लेट्स हैव कॉफी एंड पिस्ताशियो रोल्स, जो आई थिंक यहीं के फेमस हैं, बिकॉज मैंने कहीं खाए नहीं ऑनेस्टली. और ब्यूटिफुल दिस इज़ वेयर वी हैड कॉफ़ी. दिस वॉज डबल कॉफ़ी एंड यहाँ बैठे थे हम, बड़ा ही अच्छी जगह थी. ओके, सो वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग एंड मैंने नाश्ते के टाइम जो पहना था वही है. दीज आर माई फ्लैट्स एंड क्यूट ड्रेस. मैंने कोई मेकअप नहीं करा, सम सनस्क्रीन एंड सम टिंट, दैट्स इट. बिकॉज मेरा मन नहीं है अभी तैयार होने का, लेंसेज लगाने का एंड एवरी थिंग. सो यस, बाय गाइज. मैं सरोजनी नगर में आ गई हूँ. मैं यहाँ के सरोजनी नगर में हूँ एंड लेट मी शो यू. देखो गाइज, सरोजनी का पटरी बाजार लगा हुआ है. देखो देखो, तो यह है ग्रीन बाजार जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, मतलब स्पाइसेस मिलते हैं, सब्जी फ्रूट की मार्केट है इनकी. What is this? आम पापड़ है मम्मी, ये ले लो. सो गाइज, ये है जॉर्जियंस का आम पापड़. ये सिर्फ आम में पापड़ नहीं है, ये बेरी पापड़ भी है, ये ब्लूबेरी पापड़ भी है, और फ्रूट्स के नाम मुझे आते नहीं है. तो दीज आर जॉर्जियन आम पापड़. मुझे लगता है कम्बल जैसा लग रहा है ये आम पापड़ से ज़्यादा. स्ट्रॉबेरी, दिस इज एप्रिकोट. क्या है ये? बारबरीज, वही एप्पल पापड़ सबके, आम पापड़, चेरी पापड़. एक ले लो. हाँ मतलब वही देखते, पहले ट्राई करना है. दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे ये क्या है नहीं समझ आया, तो हम आगे बढ़ती है. MDH और एवरेस्ट पहुँच गए हैं कजाकिस्तान. Same outfit as the morning, but we are ready. You have done a subtle
nice clam. We have changed into little block heels for the evening, and we have done some makeup, obviously, because वो तो मेरा फेस बहुत गर्मी और पसीने से भर गया था, मेरा काजल लाइनर सब फैल गया था. एंड वी हैव कट सम इयररिंग्स एंड वी आर रेडी फॉर द इवनिंग. ओके सो हम ओके सो हम दोबारा से केबल कार में चढ़ने लगे हैं, और अब इस बार हम किसी ऐसे बर्फ वाले पहाड़ पे नहीं जा रहे, हम एक अट्रैक्शन वाले पहाड़ पे जा रहे हैं जहाँ पे कुछ फन राइड्स होंगी, रेस्टोरेंट्स होंगे, एंड दैट इज कॉल्ड गोक्तो बे. अच्छे से भी दिखाऊंगी, बट दिस इज लाइक ऊपर पहाड़ पे आके, हम ट्रॉली से आए हैं ना ऊपर पहाड़ पे आके, दिस इज लाइक अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, सब हैं. यू कैन सी झूला है, एंड यू कैन सी ये बड़ा झूला है, एंड वहाँ पीछे पहाड़ है, एंड यहाँ पे मतलब फन करो, खाना खाओ, ये सब करो. I don't know if I'm audible, but yeah, let me show you everything because this place looks so much fun. Have this beautiful cafe here. We can see वो giant wheel पीछे, and this is the inside of the cafe. क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, so we definitely have to wait somewhere. So this is a good cafe where we are waiting. There's option तो नहीं है, and they have some sweets. मेरी कमजोरी है ये मीठा खाना. See ये tables पे बैठ के खाने का कितना मजा आता होगा, because इनसे पूरा city का view आ रहा है. आई होप हमें एक खाली टेबल मिल जाती तो हम बैठ जाते, बट एवरी थिंग इज फुल हियर राइट नाउ. दिस इज सो ब्यूटिफुल. आई मीन ये हम यहाँ पे हैं ऐसे एक सुंदर से एरिया में, ये इससे बड़ा एरिया है, आगे भी एरिया है, वी विल सी दैट. एंड बिल्कुल सामने ये स्नो कैप माउंटेन्स हैं, ये इतने, ये बहुत पास है एक्चुअली हमारे, बट कैमरा में दूर नज़र आ रहे हैं, बिकॉज कैमरा में नेचुरली थोड़ी चीज़ें दूर ही लगती हैं. सो आई विल जस्ट ज़ूम एंड शो यू गाइस कि वाओ लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये माउंटेन का व्यू. आई मीन हम यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, एंड मैं माउंटेन्स को देख सकती हूँ अपने सामने, स्नो कैप माउंटेन्स को. जितना आपको कैमरे में दिख रहा है ना, इस वक्त मुझे एग्जैक्टली इतना ही दिख रहा है रियलिटी में. झूले पे झूला जल्दी से चलने वाला है यार, नहीं देना चाहिए था.
दिस इज अ मिरर मेज दैट इज शीशे जिसमें आप मोटे पतले दिखते हो, ऐसा कमरा है. दिस इज लाइक स्पेस समथिंग वर्चुअल एंड दैट इज ऑल्सो अ मिरर सी. यू कैन सी दिस एंड दिस. सो यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्शंस है, काफ़ी यू कैन सी यहाँ सामने भी कुछ है, गेम्स वगैरह तो बड़ा कुछ है मजे करने के लिए. वी आर इन द मेज मिरर. चलो चलो यार, ये लोग इतने सारे हैं ना, मुझे कैसा लगा सामने खड़ा. Okay, this is the way, this is the way. What's going on? वापस जा रहे हैं हम ट्रॉली में बैठ के. काफ़ी लंबी लाइन लगी है क्योंकि ट्रॉली ना बंद होने वाली है 10 मिनट में, तो इसलिए सब लाइन में लग गए हैं कि उनको ट्रॉली से जाने को मिल जाए. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लास्ट डे इन अलमाटी एंड हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने. सो हम आज भी होटल में ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे बिकॉज वी आर बोर्ड. तो मैं और शीनू बाहर आए हैं फिर से ब्रेकफास्ट करने, जहाँ हमने कल कॉफ़ी पी थी, डबल कॉफ़ी, उसी के साथ है कॉफ़ी बूम. तो हम यहाँ पे नाश्ता करने आए हैं एंड मेन्यू काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सारे एग्स ऑप्शन हैं एंड कॉफ़ी स्पेशली बहुत अमेजिंग लग रही है. आई मीन लुक एट दिस, जूस इज गुड, इट्स फ्रेश जूस, तो बहुत अच्छा लग रहा है पी के. बिकॉज यहाँ ओवरऑल कहीं में फ्रेश जूस नहीं मिल रहा था किसी भी कैफ़े कहीं पे भी, दे वर ऑल लाइक पैकेज जूसेस. तो ये फ्रेश जूस है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है. दिस डजेंट लुक्स लाइक ब्रेकफास्ट एक्चुअली बिकॉज दिस इज नॉट अ ब्रेकफास्ट ऑप्शन, बट हमारे कुछ अलग खाने का मन था तो हमने मंगा लिया. दिस इज चिकन फिले विद स्पिनच, लेट्स सी. फाइनली फॉर द कॉफी वी हैव दिस very beautiful looking raf coffee with us. This is a russian coffee jo aapko sirf aas pass ki countries mein hi milengi, jaise ki kazakhstan hai isme aur russia mein milegi. Looks very fancy. We saw the composition on internet, bahut achhi lag rahi thi, humne mangwa li. Let's taste it. It came with these two beautiful cookies, let's go.
सो आई एम रेडी टू गो आउट फॉर शॉपिंग. अभी हम शॉपिंग जा रहे हैं, मैं और राजू. एंड सो मैंने कोई मेकअप नहीं किया बिकॉज मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है. शाम को तैयार होने ये सब बेटर गो लाइक दिस. वी आर ऑफ टू मॉल एंड सबीना हमारे लिए ये पेस्ट्रीज लाई जो हमने खा भी ली. ये हमारा एक रोल बचा है, सबीना हमारे लिए पेस्ट्री लाई थी. थैंक यू सबीना फॉर द स्वीट्स. ये ना पेस्ट्री थी जो मेरी गुम गई थी. हम जब कॉलसाए जा रहे थे तो मेरी पेस्ट्री थी वो गायब हो गई थी. और मतलब पता नहीं वो डब्बे से गायब हो गई थी, किसी ने खाई भी नहीं, मैंने भी नहीं खाया, गायब हो गई. तो इसलिए सबीना हमारे लिए थोड़ा सा ले आई कि लो तुमने मिस कर दी, खा लो. तो वी आर एट द मेगा मॉल. बारिश हो रही है पर हमें क्या फ़र्क पड़ता है. और हम सबीना के साथ आए हैं. सबीना इज लुकिंग रियली क्यूट टुडे. हमने फाइनली कुछ ले लिया है. मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बट इट्स फाइन, एटलीस्ट वी गॉट समथिंग. दिस बबल टी इज सो गुड. टी डॉट इट्स अमेजिंग. टी डॉट इंडिया में आ जाओ, बहुत स्कोप है, बहुत बड़े बबल टी है. एंड दैट सो मैनी फ्लेवर्स टू चूज फ्रॉम that you will get confused. I took this mixed with raspberry and I got bubbles added to it because my bubbles needed, so I got additional bubbles. Last night in this beautiful city of Almaty with my tea dot bubble tea जो कि मेरी एक बार में फेवरेट बन गई है. Okay guys, so I'm back at the hotel and मैं आपको फटाफट बता देती हूँ आज के दिन के बारे में. आज का व्लॉग थोड़ा हैप्पीजर्ड सा रहा बट yeah, let me quickly give you a brief. ओके, सो मैं बाथरूम में इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ लाइट अच्छी है, वेरी सिंपल. और मेरे साथ है मेरी टी डॉट की बबल टी. दिस इज लेमन मिंट लाइम बबल टी. तो सुबह सबसे पहले हमने किया नाश्ता कॉफ़ी बूम पे, फिर हम गए शॉपिंग. शॉपिंग में हमने मॉल घूमा, हमने 3-3.5 घंटे मॉल घूमा बट हमें कुछ मिला नहीं. या मतलब हमने सिर्फ एक दुकान से 2-4 कपड़े लिए, बहुत ही सस्ते में पड़ गए हमें, 50% ऑफ में लिया हमने. तो उसके अलावा हमने कुछ लिया नहीं एंड द रीज़न बीइंग इज़ कि सब ऐसी चीज़ें थी जो ऑलरेडी इंडिया में मिलती हैं. सो व्हाई यू नो स्पेंड हियर व्हेन यू कैन गेट एवरीथिंग देयर. सो जो रेस्टोरेंट था उसका नाम था सिल्वर स्पून. इट्स अ न्यू इंडियन रेस्टोरेंट हियर इन अलमाटी एंड उसकी आज ओपनिंग थी एंड वो मेरे पापा के फ्रेंड का था तो डेफिनेटली ही कॉल्ड अस ऑन द ओपनिंग. तो हम वहाँ पे गए थे. दैट्स व्हाई आई वाज वेयरिंग यू कैन सी अ ड्रेस. तो
तो हम वहाँ गए थे, वहाँ पे हमने इंडियन खाना खाया, इंडियन स्नैक्स, इंडियन फूड खाना बहुत अच्छा था. आई मस्ट से कंग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू रेस्टोरेंट एंड द फूड वाज रियली गुड इफ यू सीन दिस व्लॉग. तो मैंने वहाँ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा बिकॉज हम उनके साथ बैठे हुए थे, सो मुझे ज़्यादा रिकॉर्ड करना ठीक नहीं लगा. एंड आफ्टर दैट यू सॉ दैट लिमोजीन टूर. बेसिकली दैट लिमोजीन टूर वॉज वो जो पापा के फ्रेंड हैं उन्होंने हमारे लिए अर्ली मुझे टूर अरेंज करा था. सो सो स्वीट ऑफ हिम, थैंक यू सो मच. बहुत मज़ा आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी न्यू चीज़ थी. हम थोड़ी देर उस लिमोजीन में सिटी का हमने टूर लिया, पिक्चर्स क्लिक की, अच्छा लगा, न्यू एक्सपीरियंस. उसके बाद लिमोजीन ने हमें छोड़ दिया एंड देन हम बस ये थोड़ा चाय कॉफ़ी पीते पीते एंड ये मेरी टी डॉट की टी लेते लेते वापस हम होटल आ गए हैं. ठीक है जी, कुछ और बातें भी करनी है आपसे, आती हूँ मैं. तो गाइस बात है कुछ ऐसी कि मैं आ गई हूँ एक दूसरी कंट्री एंड मैं लैंड कर चुकी हूँ दूसरी कंट्री में. अभी आपको नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ आई हूँ, मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ एंड हमने प्लेन से एग्ज़िट लिया है. हम जा रहे हैं अपने बैगेज की तरफ, देन बाहर निकलेंगे एंड एवरीथिंग. बट या मैं एक नई कंट्री में आ चुकी हूँ और मैंने सोचा था कि मैं ये व्लॉग यहीं खत्म अलमाटी में ही ख़त्म करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अलमाटी में ख़त्म कर नहीं पाई सुबह बिकॉज एयरपोर्ट के लिए रश करना था, पैक करना था एंड एवरीथिंग. सो या न्यू कंट्री के बारे में आपको तब पता लगेगा जब उसका व्लॉग आएगा. उसका व्लॉग नेचुरली अभी से चालू हो जाएगा बट आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता लगेगा. तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अलमाटी के लिए इतना ही. तो इन ऑल काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी बढ़िया रहा, ओवरऑल टोटली अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. तो अब हम आ गए हैं नई जगह, देखते हैं ये जगह क्या है, कैसी है, कहाँ आई हूँ मैं. बट इन द नेक्स्ट व्लॉग, आज के व्लॉग के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस व्लॉग. पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा के जाना. कमेंट डाउन बिलो कि आपको पूरे अलमाटी ट्रिप में सबसे अच्छा क्या लगा, आपको यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी. अलमाटी ट्रिप नहीं कहूँगी मैं से खाली, कजाकिस्तान अलमाटी, ठीक है, क्योंकि हम अलमाटी से भी आगे गए थे. एंड यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बटन यहाँ है, जल्दी से दबा दो. मिलूँगी मैं आपसे एयरपोर्ट से बाहर निकल के एक नई कंट्री में. टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ़.